मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जीवन बाग में रहने वाले सलीम खान जो डायलिसिस के पेशेंट थे, इनकी तबीयत ख़राब होने के बाद परिवार वालों ने इन्हें सफायर अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिवार वालों का कहना है कि डायलिसिस पेशेंट थे और इसी वजह से इनकी मौत हो गई है, मगर मनपा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनकी मौत कोरोना से होने की वजह बताई है और परिवार के 10 सदस्यों सहित टोटल 12 लोगों को मनपा ने क्वारंटाइन करने के लिए अपने साथ ले गई थी। जब ये ठाणे के क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे और इन्हें वहां हाथों पर मोहर लगाकर इन्हें घर वापस भेज दिया गया, मगर आज फिर सलीम खान के परिवार वालों को मनपा ने क्वारंटाइन करने के लिए कहा है, क्योंकि मृतक सलीम खान की रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हालांकि मनपा ने आज जीवन बाग को सील भी कर दिया है और सील करने के दौरान मनपा कर्मियों और जनता के बीच काफ़ी हंगामा भी हुआ, मगर काफ़ी हंगामे के बावजूद भी जीवन बाग को सील कर दिया गया। मगर वहीं परिवार वालों का कहना है कि सलीम खान की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से क्यों भगाया गया और उन्हें जीवन बाग में अपने घर क्यों भेजा गया। उनका कहना है कि उन्हें भी क्वारंटाइन करना चाहिए, आखिर मनपा अधिकारी उन्हें क्वारंटाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। सलीम खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाए, ऐसा उनके परिवार का कहना है। इसके अलावा और भी मनपा पर क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। 4 साल से मेरे पप्पा को डायलिसिस था और शिवाजी हॉस्पिटल में लेके जाता था मैं, वहाँ से आने के बाद में हम लोग डायलिसिस करके आने के बाद घर में लेके आए, पानी पिए और घर में इंतकाल हो गया था, तो हम लोग रिक्शा में डाल के लेके गए उनको पुरानी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने लिया नहीं। सफायर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी नहीं लिया, सफायर हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो डॉक्टर आके चेक किया मेरे पप्पा को और बोला इनकी डेथ हो गई, तो हम लोग ने वैसे घर पर लेके आए। घर पर लेके आने के बाद में मालूम पड़ा तो हम लोग ने फिर कब्रस्तान वब्रस्तान का किए, डॉक्टर लोग ने चेक किए थे वहीं सफायर हॉस्पिटल में, तो फिर बाद में हम लोग कब्रस्तान लेके गए। कब्रस्तान लेके जाने के बाद 3 दिन के बाद पुलिस म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल से लोग आए घर पे पूछने के लिए कि तुम्हारे पापा को पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उनको कोरोना हुआ था तो तुम्हारे को भी हम लोग क्वारंटाइन में लेके जाएंगे। तो आप लोगों को क्वारंटाइन के लिए लेकर जाया गया था क्या? क्वारंटाइन के लिए लेके गए और वहाँ से वापस छोड़ दिया हमको स्टैम्प मार। कितने लोगों को लेकर गए थे? 12-13 जन थे, 13-14 जन थे। तो फिर 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है तो फिर उसी दिन कैसे छोड़े आप लोगों को? क्या पता सर, हमको कुछ बताया नहीं उधर, कुछ नहीं, स्टैम्प मार के छोड़ दिया और अब मेरे पप्पा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हमको अभी तक छोड़ के रखा गया, अभी तक कोई आ रहा नहीं है लेने। अच्छा, उनकी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव है? पॉजिटिव रिपोर्ट है हमारे पप्पा की। तो अभी फिर मनपा के अधिकारी आए थे आप लोगों के यहाँ? मनपा के अधिकारी आ रहे बस खाली और चले जा रहे, तो मेरे भाई को मालूम है, मेरे को इतना नहीं मालूम है क्योंकि मैं टेंशन में हूँ इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर शेख है। क्या ये मनपा के अधिकारी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो फिर बता रहे हैं कि क्वारंटाइन जो है किया गया था, फिर वहाँ से भी इनको बोला गया कि आप लोग घर जाइए, तो फिर मनपा के अधिकारी आ रहे हैं और क्वारंटाइन करने के लिए बोल रहे हैं, हालांकि आपके इलाके को जो है सील भी कर दिया गया है। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ सर, मेरे मतलब ये दोस्त है एकदम खास और इनके अब्बा मेरे मतलब अंकल जैसे, मेरे चाचा जैसे, और हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं। वहाँ यूँ था कि इनके अब्बा का इंतकाल हो गया डायलिसिस की वजह से, और उनके बाद में मतलब इनके अब्बा की पूरी मदफन होने के बाद में 3 दिन बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 3 जन आते, अब वो डॉक्टर्स थे या कौन था पता नहीं, क्योंकि वो लोग कोई प्रिकॉशन से नहीं आए थे, वो लोग नॉर्मली आए थे, उन लोग के हाथ में सिर्फ हैंड ग्लव्स और मुँह पे मास्क थे और कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने आकर बोला कि आपके डैडी को मतलब इनके डैडी को कि कोरोना पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने बोले कि रिपोर्ट बताइए, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं बताया, बोले वो रिपोर्ट हम लोगों के पास है ये वो ऐसा ऐसा करके उन्होंने बात को टाला, और उन्होंने बोला कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी उस टाइम पर मतलब के प्रेजेंट है तो उन लोग सबको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है, बट उन लोगों ने उस टाइम पर भी इन लोगों को कुछ मतलब ऑन द स्पॉट क्वारंटाइन नहीं किया, जबकि देखा है तो अगर कोई कोरोना पेशेंट है और उसका कोरोना जो मतलब डिजीज़ जो फैल रहा है एक दूसरे के टच से फैल रहा है, तो उन लोग के नज़दीक अगर कोरोना पेशेंट उनको पॉजिटिव था सलीम अंकल को, तो इन लोगों का भी कोरोना है,
और इन लोगों का कोरोना रहने के बावजूद उन लोगों ने उनको उसी रात में छोड़ के, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ये सबसे पहले, क्योंकि अगर कभी कोई कोरोना पेशेंट को टच कर रहा है तो उसको भी ऑब्वियसली कोरोना हो रहा है। अब इनके फैमिली मेम्बर्स ने जिन लोगों को टच किया था उनको, सलीम अंकल को, तो ऑब्वियसली उनको कोरोना हो चुका रहेगा। अब वो लोग आते हैं विदाउट प्रिकॉशन, आए कुछ हैंड ग्लव्स के अलावा कुछ नहीं था उन लोगों के पास, कोई डॉक्टर भी नहीं लग रहा था उन लोगों में से, क्योंकि उन लोगों के बाद से लग रहा था ऐसी। तो वो लोग ने आए और इनको बोले कि हम लोग क्वारंटाइन करेंगे आपको, ऑन द स्पॉट कुछ नहीं किया उन लोगों ने, एक्शन ऑन द स्पॉट नहीं लिए, बोले कि कल मॉर्निंग में आएंगे। मॉर्निंग में 10 बजे का टाइम देकर गए, लेकिन वो लोग आए कुछ 4 बजे के टाइम पे इन लोगों को लेकर गए, और भी एम्बुलेंस में नहीं लेकर गया गए, इन लोगों को TMT की बस में लेकर ले गए। और जिस जगह पर लेकर गए वहाँ पर इन लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे तो इन लोगों को पूछा कि भाई आपकी रिपोर्ट कहाँ पर है, तो इन लोगों ने बोला कि रिपोर्ट नहीं है। तो वो मतलब जो लेडी डॉक्टर थी वहाँ पर, वो इन लोगों के ऊपर थोड़ा भड़क गए कि आप लोग यहाँ पर आए कैसे हैं, क्योंकि हाई मतलब कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे, हाई रिस्क पेशेंट वहाँ पर, वो लोग मतलब मौजूद थे वो जगह पर, वो लोग के लिए मतलब क्वारंटाइन प्लेस था वो। तो इन लोगों को वहाँ पर बिला वजह लेकर गया, या तो सबको अगर लेकर भी गया इनको कि इनको कोरोना पॉजिटिव था, तो रिपोर्ट वगैरह इनको कुछ नहीं दी गई वहाँ पर लेकर गए, तो डॉक्टर ने बोली रिपोर्ट वगैरह नहीं, तो आप लोग आए कैसे यहाँ पर, आपको सिर्फ सताने के लिए यहाँ पर लेकर आया गया, आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलो। तो इन लोगों के हाथ पे स्टैम्प किए और इन लोगों को वहाँ से निकाल दिए थे, और उसके बाद भी आज भी शायद से आए खाली लोग। ये जानकारी मिली कि आज सुबह जो है मनपा के अधिकारी यहाँ पर आए थे और ये सील भी किए, और इन लोगों से कहा गया कि आज आप लोगों को जो है क्वारंटाइन करने के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन अभी रात के करीब 10 बजने वाले हैं, आप लोगों को कोई आया नहीं है? सर हम लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ले क्यों नहीं जा रहे, अगर ये लोग कोरोना पेशेंट है तो क्या इन लोग को इसलिए छोड़ के जा रहे कि आप पूरे एरिया में कोरोना फैला दो? उन लोग की सोच के यही है, इन लोगों को भी क्वारंटाइन करना जरूरी है अगर उन लोगों के नज़दीक कोरोना, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ का मतलब के डिसीजन नहीं ले सकते कि इनको कोरोना है या नहीं है। अब उन लोगों की रिपोर्ट के बिहाफ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इनको कोरोना है, अगर है तो आप इन लोग को लेके क्यों नहीं जा रहे, हम लोग का बोलना यही है ना सर। और इनकी डैडी की रिपोर्ट भी अभी तक के हैंड ओवर नहीं किए। अच्छा, जो आप मोबाइल में फोटो खींच के लाए पॉजिटिव रिपोर्ट की, वो कहाँ से आप लेकर आए? वो म्यूनसिपल हॉस्पिटल से, वो भी उन लोगों से बहुत बहस करने के बाद फोटो क्लिक करने मिला, जबकि उन लोगों को चाहिए था कि रिपोर्ट हम लोग की उनकी फैमिली के हाथ में हैंड ओवर कर दे। रिपोर्ट पॉजिटिव? हाँ, उन लोगों के बोलने के मुताबिक अगर कभी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उन लोगों का काम था कि इन लोग को लेकर जाए, हमको भी लेके जाना चाहिए ना, हमारी वजह से कोई दूसरे को नहीं, पहले इन लोगों का भी बोलना यही है, वालों का भी बोलना है पूरी फैमिली में, अभी वो हमारे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो क्वारंटाइन के लिए लेके गए थे वहाँ पर, वहाँ के डॉक्टर ने हम लोग को बोला है कि वहाँ पर ना 700 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पॉजिटिव है, वहाँ पर हाई रिस्क है, तो उन लोग की वजह से तुम लोग को ना पॉजिटिव हो जाए, इसलिए उन लोग ने वहाँ पर हम लोग को रखे ही नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर वहाँ के लोगों की वजह से अगर हम लोग को वहाँ निकलता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर चाली का नाम को यहाँ पर कोरोना हो गया, लेकिन वहाँ पर उन लोग पॉजिटिव पेशेंट के बीच में हम लोग को रख रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से हम लोग को ना पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हम लोग को लो रिस्क क्वारंटाइन लेके जाना पड़ेगा, वो लोग हाई रिस्क लेके जा रहे हैं हम लोग, इतना आपके माध्यम से। वहीं इस पूरे मामले में मनपा के अधिकारी ने बताया है कि कल इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा, और मनपा अधिकारी ने यह भी बताया कि इनके घर अब तक जितने भी लोग गए हैं वो सभी मनपा कर्मी थे, और जीवन बाग को सील करने के दौरान हुई हंगामे पर मनपा कर्मियों ने कहा है कि लोग मनपा कर्मियों का समर्थन करें, वो आपके बीच आते हैं आपके सुरक्षा के लिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।